Assalamualaikum, welcome to Super Special. As promised, हमने बोला कि हम हर ट्यूसडे डेडिकेट करेंगे हॉकी को, एंड ऑफ कोर्स दिस टुडे वी विल टॉक अबाउट हॉकी. आपको बताएं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अपने हेडक्वार्टर्स इन लाहौर एंड सब ऑफिस इन कराची बंद कर दिया है 21 जून तक. ऑफ कोर्स इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, उस हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए. हम लोग आज बात करेंगे कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन क्या प्लान कर रहा है. अब क्रिकेट भी शुरू होने वाली है, अब क्या हॉकी में भी हम कुछ एक्शन देखेंगे या नहीं, इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे. हमारे साथ है द राइट पर्सन, वी हैव PHF सेक्रेटरी आसिफ बाजवा जिन्हें हमें ज्वाइन किया है, और हमारे साथ हैं अतीक और रहमान जो हमारे नुमाइंदे हैं और हॉकी को क्लोजली फॉलो करते हैं. बहुत शुक्रिया जेंटलमैन आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया. आसिफ बाजवा साहब, पहले तो आप बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है. आई हर्ड कि आप इन्फेक्टेड हो गए थे, अब आप रिकवरी मोड में हैं, कैसी तबीयत आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ईद के दिनों में मैं फैमिली गैदरिंग थी हमारी सियालकोट में, तो वहाँ से ये बिल्कुल मैं इन्फेक्टेड हुआ, मेरा टेस्ट भी पॉजिटिव आया, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फुली रिकवर्ड नाउ. और अभी भी लेकिन मैं क्वारंटीन में हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम टाइम जो है वो घर पे गुजारूँ ताकि मेरी वजह से दूसरे लोग इन्फेक्टेड ना हो. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकवर कर चुका हूँ और कोशिश करूँगा कि ये कमिंग वीक में दोबारा मैं अपना ऑफिस भी ज्वाइन करूँ, सोशलाइज भी करूँ. थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग फातिमा. अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज जबरदस्त, गुड टू हियर. एंड यू नो आसिफ साहब, आई अंडरस्टैंड जब आप क्वारंटीन में होते हो तो बहुत टेस्ट होता है आपका मेंटल हेल्थ का, जस्ट सिटिंग एट होम नॉट डूइंग एनीथिंग. तो ऐसा ही अभी हाल है बाकी हॉकी प्लेयर्स का भी, तो आप लोगों ने क्या प्लानिंग किया? जो मैं पढ़ रही थी कि अब कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी एड्रेस किया जाएगा, फिजिकली क्लासेस भी तो हम सुन रहे थे कि ऑनलाइन फिटनेस शुरू होगी, तो क्या अब दोबारा से कोई नया सिलसिला शुरू होने वाला है? जी फातिमा, मैं आपको बड़ा डिटेल से इसका आंसर देना चाह रहा हूँ. sure. आपको पता है कि ईद रमजान में जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ था तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एक इनिशिएटिव लिया था, अपने कोचेज को पूरा गाइड किया था कि एक प्रोग्राम तरतीब दें ताकि लड़के जो हैं वो बिल्कुल रस्टी ना हो और वो हॉकी के साथ इन टच रहें, क्योंकि आप ना इकट्ठे ट्रेनिंग कर सकते थे, ना आप इकट्ठे बैठ सकते हैं, ना आप कैंपिंग कर सकते हैं. तो हमने एक इंडिविजुअल प्रोग्राम, ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया और उसकी उसको जबरदस्त तरीके से इम्प्लीमेंट किया हमारे कोचिज ने भी और प्लेयर्स ने भी, और 100% रिजल्ट हमें नजर आए. हमने उनके टेस्ट भी किए और वो टेस्ट भी बड़े तसल्ली बख्श थे. ईद के बाद से ये सिलसिला दोबारा सिलसिला खत्म हो गया था, तो अभी डे बिफोर यस्टरडे मेरी पूरी टीम मैनेजमेंट से एक घंटा की वर्चुअल मीटिंग हुई ऑन टेलीफोन. तो उस मीटिंग में मैंने उनको दोबारा ये गाइडलाइन दी है. प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने मुझे स्पेशल कॉल किया और उन्होंने कहा जी मैं ये चाहता हूँ कि लड़के हमारे बिल्कुल रस्टी ना हो, तो आप दोबारा प्रोग्राम शुरू करें जिसमें मेंटल फिटनेस का एस्पेक्ट भी हमने अब शामिल कर दिया. और इस सिलसिले में मैं आपको ये बताना चाहूँगा फातिमा कि हमने अपने सीनियर ओलंपियंस से रब्ता किया है जिनमें समीउल्लाह है, जिसमें हसन सरदार, मंजूर जूनियर, रशीद जूनियर, अख्तर रसूल, कासिम जिया, इन तमाम लोगों से हमने रिक्वेस्ट की है कि वो लड़कों को मेंटल ट्रेनिंग और मेंटल हेल्थ के बारे में अपने लेक्चर दें और अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करें ताकि वो मेंटली स्ट्रांग हों. तो इस सिलसिले में सबसे बड़ी बात यह है कि कल समीउल्लाह साहब ने तकरीबन 1 घंटे का लेक्चर जो है ऑनलाइन दिया है हमारी हॉकी टीम के लड़कों को. ख्वाजा जुनेद उसमें शामिल थे, तो कोचेज शामिल थे. तो ये एक बड़ी खुशहाल बात है कि हमारे सीनियर ओलंपियंस जो जिनका एक रिच एक्सपीरियंस है, जिनके पास फतूहात का एक बहुत बड़ा एक खजाना है, उन्होंने अपनी लाइफ की जो बेस्ट मोमेंट्स थे और बेस्ट चीज़ें थी वो लड़कों के साथ शेयर की और इनको मोटिवेट किया कि आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है और आपने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है. हमारे लिए बड़ी खुशहाल बात है कि जो सिलसिला हम शुरू करना चाहते थे वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है. बाजवा साहब ये तो देखेंगे, बाजवा साहब ये तो बड़ी आपने खुशखबरी की बात सुनाई. कोरोना में जहां बहुत से लोग सोशल डिस्टेंसिंग में से दूर दूर हैं, तो जो ओलंपियंस जैसे समीउल्लाह आप जिस तरह आपने जिक्र किया, बड़ा नाम था और फेडरेशन से हमेशा ज़रा नाराज़ रहते थे, लेकिन अगर वो आप लोगों के साथ जुड़ गए हैं समीउल्लाह, तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है. और बहुत से ओलंपियंस भी हैं, तो ये फेडरेशन एक तरीके से कामयाब हो रही है, जो नाराज़ ओलंपियंस या जिनके जो शिकवे थे, शिकायत थी, उनको दूर कर रहे हैं. तो कितनी मुश्किल पेश आती है कभी हॉकी फेडरेशंस को, क्योंकि ओलंपियंस हैं, बड़े नाम हैं, कोई शिकवा शिकायत करते हैं तो फेडरेशंस उनको फिर साथ लेती है. तो बड़ा बड़ा नाम समीउल्लाह आपके साथ अटैच हो गया है, तो क्या आगे मुस्तकबिल में उनको मजीद फेडरेशन के साथ जोड़ के रखेंगे या क्या उनसे लेंगे फ़ायदा?
देखें अतीक, मैं हमेशा से बड़ा पॉजिटिव रहता हूँ अपने तमाम सीनियर्स के लिए, मैंने हमेशा उनकी रिस्पेक्ट किया है। अच्छा, इनकी नाराजगी जो होती है ना, ये हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होती, हमें हमारे लिए लाए अमल तैयार करने में आसानी पैदा होती है कि हम कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं। अगर हमारे सीनियर ओलंपियन कोई बात करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो हॉकी से नाराज हो गए हैं, उसका मतलब ये होता है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं हमारे से गलती हो रही है जिसको हमें रेटिफाई करना चाहिए, जिसको हमें रीएड्रेस करना चाहिए। तो अगर ये इस तरह की बात आती है तो मैं तो इसको हमेशा बड़ा पॉजिटिव देता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जिस रिस्पेक्ट पे वो बात कर रहे हैं हम उसको उसकी रेमेडी कर सकें, उसको हम सही कर सकें। तो समीला साहब मेरे ख्याल में हॉकी से तो नाराज नहीं थे, लेकिन उनके उनके इख्तलाफात हैं फेडरेशन की मैनेजमेंट के हवाले से, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये हॉकी जो है ये सबका खेल है, ये हमारा कौमी खेल है। और अगर वो उन्होंने ये स्टेप लिया है और उन्होंने अपनी हर चीज को साइड पर रख के लड़कों को लेक्चर दिया है तो मैं इसको वेलकम करता हूँ और मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि बाकी शिकवे भी जितने हैं या दूसरे ओलंपियंस भी जो इस तरह का की कोई रेजोल्यूशन रखते हैं उनको एड्रेस किया जाए और उन तमाम लोगों को ऑनबोर्ड किया जाए ताकि पाकिस्तान हॉकी जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। अच्छा बाजवा साहब फातिमा एक चीज और पूछना चाहूंगा, ठीक है समीउल्लाह की बात नहीं कर रहा इस वक्त, ठीक है वो आपके साथ आया, लेकिन बहुत से ओलंपियंस इससे फायदा भी उठाते हैं, कहते हैं कि हमें कोई ओहदा दे दें, ब्लैकमेलिंग भी होती है, शिकवे शिकायत के अलावा ब्लैकमेलिंग भी ओलंपियंस करते हैं। मैं समीउल्लाह की बात नहीं कर रहा अभी, बिल्कुल मतलब ये बात ना ली जाए क्योंकि अभी समीउल्लाह की बात हो रही है तो मैं उसको अटैच नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से ओलंपियंस इस वजह से भी फेडरेशन के साथ जुड़ते हैं कि अब उनको कोई ओहदा मिलेगा। तो क्या समीउल्लाह साहब को कोई ओहदा मिलने वाला है टीम मैनेजमेंट के साथ या सिलेक्शन के साथ? अगर वो कोई ओहदा लेना चाहेंगे तो हमें कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन बात यह है मैं आपको बताता हूँ कि मेरा ख्याल है ही इज अबव ऑल दिस, समीउल्लाह साहब, इस्लाउद्दीन साहब, हनीफा साहब, हसन सरदार, रशीद जूनियर, अख्तर रसूल, वो इन ओहदों से अब बड़े हो चुके हैं, उनको ओहदा लेने से या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं, वो पाकिस्तान की शान है, वो पाकिस्तान के की इज्जत है, तो ये ओहदे इनके लिए बड़ी छोटी चीजें हो चुकी है। अब इनका जो असल जो मोटिव है ना या मोटो है वो ये है कि पाकिस्तान हॉकी बेहतरी की तरफ जाए। अब इस बेहतरी के लिए अगर वो किसी भी कैपेसिटी में काम करना चाहेंगे तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उनको वेलकम करेगी। पाकिस्तान सेक्रेटरी की जॉब, जनरल सेक्रेटरी फातिमा, मैं आपके प्रोग्राम में ही कह चुका हूँ कि अगर किसी को ये लगता है कि वो बेहतर तरीके से सर्व कर सकते हैं तो दे शुड कम फॉरवर्ड, उनको अपनी विश का इजहार करना चाहिए, हमें कोई एतराज नहीं है। गुड, आपने क्लियर कर दिया। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलती है, एक आइन है, उस आइन के तहत आपको मेंबर बनना पड़ता है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, तो हमें किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। मैंने तो कभी एतराज किया ही नहीं इस बात पे। अगर कोई मेरा सीनियर समझता है कि वो बेहतर तरीके से चला सकता है तो ही शुड कम फॉरवर्ड, कोई इसमें ऐसी बात नहीं। ठीक है, गुड टू नो यू हैव अ बिग हार्ट। बट अतीक, थोड़ा सा यू नो जो आदि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं कि एड्रेस करेंगे ओलंपियंस और ये सीनियर जो हमारे प्लेयर्स हैं, हमारे लेजेंड्स हैं, मगर आदि से ज़्यादा अतीक जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब जॉब ना होना। तो आपको याद है हमने लास्ट टाइम भी जो शो किया था सबसे बड़ा टॉपिक उसमें यही था। तो अभी क्या वैसे सूरत हाल है, पहले आप भी थोड़ी सिचुएशन हमें बता दें, फिर हम बाजवा साहब से भी बात करेंगे। हाँ फातिमा, सूरत हाल तो हॉकी की है बहुत ज़्यादा, सबको मालूम है कि खिलाड़ी जो है वो बेरोज़गार भी हैं, लाचार भी हैं, और फिर लीग्स में जाके कुछ मौका मिल जाता है कुछ खिलाड़ियों को तो वो जाकर कुछ खेल लेते हैं, लेकिन अब तो कोरोना की वजह से मज़ीद उनकी मुश्किलात में जो है इजाफा हो गया है। ठीक है, ऑनलाइन सेशन हुए हैं, बहुत अच्छे कुछ सेशन रहे, कुछ बहुत से ऐसे भी रहे जो ज़्यादा इतने अहम नहीं थे या बहुत ज़्यादा उन्होंने करामत साबित नहीं हुए, और सलमान अकबर समेत और बहुत से ओलंपियंस ने इनको ऑनलाइन को बड़ी तनकीद, ऑनलाइन कोचिंग इसको जो है बड़ी तनकीद भी की, लेकिन खिलाड़ियों की जहाँ तक आपने फातिमा बात की तो सूरत हाल तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहले ही खिलाड़ियों के पास नौकरियाँ नहीं थी, फिर इतने ज़्यादा इवेंट्स जो है वो खेलने को नहीं मिल रहे थे, तो अब ये फेडरेशन ने प्लान तो किया था बहुत सब कुछ के जूनियर एशिया कप भी होगा और पाकिस्तान टीम भी जाएगी यूरोप के दौरे के ऊपर, और लेकिन अब ये कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो गए, ये खिलाड़ी भी परेशान हैं और अब फेडरेशन, बाजवा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं तो इन्हीं से मालूम करते हैं कि क्या फेडरेशन का लाइन ऑफ एक्शन है, क्योंकि अब कोरोना ये तो है नहीं कि अगले महीने ख़त्म हो जाना है बाजवा साहब या दो महीने बाद ख़त्म हो जाना है, दुआ है कि हो जाए, लेकिन अब बहुत सी खेलों की फेडरेशन खेल जो हैं वो
SOPs के तहत आगे आ रहे हैं, तो फेडरेशन क्या सोच रही है हुकूमत के साथ मिलके कोई एक ऐसा SOPs तैयार करे, क्योंकि ये एक है बॉडी टच गेम है, किस तरह करेंगे, कितना मुश्किल होगा? जैसे क्रिकेट एक अलग चीज़ है, गोल्फ एक अलग चीज़ है, टेनिस एक अलग चीज़ है, फुटबॉल हो रही है दुनिया में इस कोरोना टाइम कोविड की वजह से, हॉकी फेडरेशन किस तरह इसको बहाल करने में कामयाब होगी? अतीक, आपने दो तीन चीजें रेज की हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा इस पे। सबसे पहले बात यह है कि आपको पता है कि जब आप वर्चुअल प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने अभी मेरे साथ जूम पे कोशिश की, तो हम जूम पे नहीं आ सके, वीडियो पे नहीं आ सके, हमें ऑडियो पे जाना पड़ा, ठीक है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसकी कुछ हदूद हैं। आप इनको जो क्रिटिसिज्म की आपने बात की ना, जैसे सलमान अकबर ने किया कि प्रोग्राम ठीक नहीं है, इस हमेशा जब आप ऑनलाइन प्रोग्राम देते हैं तो उसकी लिमिटेशन होती हैं। आजकल आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं यूनिवर्सिटीज की, अच्छे स्कूल्स की, बीकन हाउस हो गया, एसिसन हो गया तमाम की, तो इसमें बहुत सारी लिमिटेशन आ रही हैं कि आप प्रॉपरली उस तरह गाइड नहीं कर सकते, उस तरह ट्रेनिंग नहीं करवा सकते। इसी तरह जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसकी भी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि आप खुद से जिम्मेदारी ले रहे हैं, लड़के खुद से जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो वो एक हद तक जाते हैं। लेकिन जब आप इकट्ठे होते हैं, आप अंडर कोचेस काम करते हैं, आप सामने काम करते हैं, तो आप उस लिमिट को क्रॉस करवाते हैं। आपने उनको मेंटली इतना टफ करना होता है कि जब वो गिव अप कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप उनका बेस्ट लेना चाह रहे होते हैं। तो इसमें लिमिटेशन तो होंगी, इसमें प्रॉब्लम्स तो होंगी, लेकिन द बेस्ट थिंग इज कि आपने लड़कों को इंगेज किया हुआ है, आपने लड़कों को एक टारगेट दिया हुआ है कि मिनिमम टारगेट आपने ये अचीव करने हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो आपके टेक्निकल एस्पेक्ट हो, चाहे वो आपके मेंटल एस्पेक्ट हो, तो आप उनको इंगेज करके उनको इन प्रॉब्लम से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात आपने की कि आपके हमारे प्रॉब्लम ये हैं कि ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें कि आप टच करते हैं, आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, इसमें पानी इस्तेमाल हो रहा है, आपके ऊपर छींटे पड़ने हैं, हर चीज़ होनी है। तो इसके लिए मैंने अभी हाल ही में थेरी वेल्स जो हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के CEO हैं, वर्चुअल हमारी कॉन्फ्रेंस हुई, उनको सजेस्ट किया था कि अगर ये पेंडेमिक एक्सटेंड करता है और ये लंबा चलता है तो हमें हॉकी 5 पे तवज्जो देनी चाहिए, कम से कम प्लेयर्स हों जिस गेम में, और हॉकी 5 के थ्रू हमें अपने मोटिवेट करना चाहिए, इसको आगे चलना चाहिए। उन्होंने एग्री किया है हमारे साथ कि अगर ये पेंडेमिक लंबा हुआ तो हम हॉकी 5 को इंटरनेशनल लेवल से लेकर डोमेस्टिक लेवल तक हम लेके जाएंगे और इसी से स्टार्ट करेंगे। यही हमारी बात हो रही है। अभी फेडरेशन के प्रेसिडेंट खालिद सजाद खोकर साहब से मेरी बात हुई, बाकी लोगों से मेरी बात हुई, तो हमने यही सजेस्ट किया है कि अगर हम डोमेस्टिक हॉकी स्टार्ट करने में कामयाब होते हैं तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हॉकी 5। ठीक है। तीसरा फातिमा, आपने कहा कि हमारे जो फाइनेंशियल हालात हैं लड़कों के और ये चीजें जो हैं, ये अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी पे जो हमारी बात हुई थी, बट मुझे ब्रेक लेना है तो मैं इससे चाहती हूँ कि मैं आपको पूरा टाइम दे, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। और ऑफकोर्स हम लोग जब हॉकी की बेहतरी की बात करते हैं, सबसे बड़ा हमारे जो प्रेसिंग मैटर है वो है बेरोजगारी, तो उसके लिए PHF क्या कर रहा है, वी विल हियर इट फ्रॉम द बॉस हिमसेल्फ आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ये तो एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अब ओलंपियंस जो के फॉर्म ओलंपियंस जो कब से नाराज थे उनको एक ही टेबल बिठा के बात कर रहा है, और वो अब बाकी प्लेयर्स को अच्छी से उनसे बातें करेंगे, कॉन्वर्जेशन करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में, ये तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। आसिफ बाजवा जनरल सेक्रेटरी PHF हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अच्छा आसिफ, तो एक तकलीफ मुझे हुई आपने लास्ट शो किया कि जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं ना, मतलब जो अभी रिटायर हुए हैं या हॉकी, उनमें से किसी को अनएम्प्लॉयड होना इट्स वेरी हर्टफुल एंड आई थिंक PHF पे एक बुरा नाम आता है। PHF वैसे क्या करे? आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि PHF सबको अकोमोडेट नहीं कर सकती है, बट वॉट इज़ PHF एक्चुअली डूइंग कि जो हमारे लेजेंड्स बनने वाले लेजेंड्स हैं, जो हमारे अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, वो एक्चुअली डिसअपॉइंट ना हो? बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन किया फातिमा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की लिमिटेशंस तो हैं, और लेकिन हम अपने तौर पे काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है इसको हल किया जाए। अनफॉर्चुनेटली आपको मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि 90 में जब मियां नवाशिफ साहब आए इकतदार में, तो उस वक्त स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री एक ही पोर्टफोलियो होता था। जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर होता था वो एजुकेशन मिनिस्टर होता था, तो इनको अलहदा अलहदा कर दिया गया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अलहदा बना दिया गया, एजुकेशन से इसको हटा दिया गया।
उससे ये हुआ कि स्कूलों में और कॉलेजों में स्पोर्ट्स का जो है ना वो जो एनुअल स्पोर्ट्स होती थी, जो मेले लगते थे, वो खत्म होना शुरू हो गए और इवेंचुअली इसका नुकसान सबसे ज्यादा हॉकी को हुआ, क्योंकि हॉकी इज अ डिफिकल्ट गेम और इसमें ये एक्सपेंसिव गेम भी है, बाकी गेमों से कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव गेम भी है। तो उसके बाद फिर प्राइवेटाइजेशन का भी एक इशू चला, जिसमें प्राइवेटाइजेशन शुरू हुई तो हमारे जो अदारे थे जिनकी बड़ी बड़ी टीमें थी उन्होंने सबसे पहले अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को बंद किया। तो ये सिलसिला चलते चलते अब इमरान खान साहब ने यही किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो खुद स्पोर्ट्स मैन है, जो वर्ल्ड चैंपियन है हमारी तरह, वो भी वर्ल्ड चैंपियन, उन्होंने क्रिकेट के डिपार्टमेंट बंद करवा दिए। तो ये एक डिस्करेजमेंट हुई स्पोर्ट्स पर उनको, क्रिकेटर्स बड़े बड़े जो है वो बेरोजगार हो गए हैं, जो सिर्फ टीम में खेल रहे हैं या जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो वही अब जो है वो खुशहाल है, बाकी क्रिकेटर्स के भी बड़े बुरे हालात हैं। हॉकी के मसले इससे भी बड़े हैं, हॉकी तो चलती ही डिपार्टमेंट की तरह थी, जिस तरह आप शनाज शेख का नाम ले लें, मंजूर जूनियर साहब का ले लें, असद सरदार का ले लें, इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब, समीउल्लाह साहब, ये अपनी गेम के बाद अपने डिपार्टमेंट की तरफ वजह से पहचाने जाते थे, कोई पीआई में स्टेशन मैनेजर था, कोई कस्टम में कलेक्टर होकर रिटायर्ड हुए हैं, तो इनको बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियो मिले आफ्टर गेम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जो हमारे लेजेंड्स हैं, जैसे सुहेल अबास है, वसीम है, रेहान भट्ट है, रेहान भट्ट तो खैर वापडा में एम्प्लॉय है, लेकिन इनकी वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है जो पहले वाले ओलंपियंस की होती थी। जैसे शकील अबासी से लास्ट टाइम बात हुई थी आसिफ बाजवा साहब लास्ट वीक, उन्होंने जब बोला कि मैं बेरोजगार हूँ, आई डोंट नो कि मेरा फ्यूचर क्या, तो आई थिंक हम लोग जो भी शो उस टाइम करे थे हम लोग वी वर टेकन अबैक एंड आई फेल्ट रियली बैड, क्योंकि उनको नहीं ऐसा, ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। देखें, एक इंडिविजुअल का बैकग्राउंड जो है ना उसको आपको उसके हिस्ट्री को समझना चाहिए। शकील अबासी वाज एम्प्लॉयड इन स्विस सदर्न गैस, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन वो बगैर बताए कहीं बाहर लीग खेलने गया था, जिसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ था, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। प्लेयर्स के लिए इतनी होनी चाहिए, उसने पाकिस्तान के लिए बहुत सर्व किया है, पाकिस्तान के लिए बहुत लंबा खेला और ही वॉज अ एक्सीलेंट प्लेयर और वो बंदा भी बहुत अच्छा है, मैं 100% एग्री करता हूँ, लेकिन डिपार्टमेंट्स के अपने मसले होते हैं, उनके अपने डिसिप्लिन के इशू होते हैं, उस वजह से हुआ। अब मैं जो आपसे बात करना चाह रहा था कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इस सिलसिले में क्या कर सकती है और क्या कर रही है, ठीक है। अभी रिसेंटली हमारी मुलाकात हुई है जो जरिए तरक्याती बैंक है उनके प्रेसिडेंट से, जनरल बिलाल अकबर जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हैं उनसे मुलाकात हुई, तो इस तरह दो तीन और सुई नॉर्दर्न वालों से मुलाकात हुई, तो ये तमाम लोग अर्जी हैं कि दे आर गोइंग टू क्रिएट अ हॉकी टीम इन देयर डिपार्टमेंट और उसमें फिर एम्प्लॉयमेंट्स लड़कों को मिलना शुरू होंगी। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लोग मेरे साथ इन टच हैं, जरिए तरक्याती बैंक वाले हमारे साथ इन टच हैं और सुई नॉर्दर्न वाले भी इन टच हैं और दे आर इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग देयर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एंड टीम्स। तो इससे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो कोशिश कर सकती है वो कर रही है और मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला कि इससे हॉकी प्लेयर्स को एम्प्लॉयमेंट्स भी मिलेंगी, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट्स मिलेंगी और हमारे जो सीनियर प्लेयर्स जो इस वक्त अनएम्प्लॉयड है तो उनको एज अ कोच, एज अ टेक्नोक्रेट भी उनको जॉब मिल सकती है। तो PHF इज डूइंग इट्स बेस्ट इन द लीडरशिप ऑफ खालिद सजाद खोखर साहब कि हम अपनी कोशिश कर रहे हैं और हम स्ट्रेस कर रहे हैं। आपको पता है लेकिन बाजवा साहब मैं इस टाइम आपकी बात कर लूंगा, पहले भी आप सेक्रेटरी जब आए थे तो आपने एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का सिलसिला शुरू किया था, उस वक्त पैसे थे फेडरेशन के पास, खजाना भरा हुआ था, इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के खजाने की क्या सूरत हाल है? हम बात तो कर सकते हैं कि ठीक है हमने वहाँ बात की, हो सकता है वो डिपार्टमेंट खुल जाए इस तरह और बहुत से आपने जगह बात की होगी जहाँ पे खिलाड़ियों की नौकरी के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का सिलसिला दोबारा शुरू करना चाहती है या करने पर गौर कर रही है, और क्या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का खजाना इस वक्त है उसमें कुछ या बिल्कुल ही नील बटा सन्नाटा है वहाँ पर? अतीक, इस वक्त एट द मोमेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं है, इट्स अ फैक्ट, लेकिन हमारी जो बातचीत चल रही है जिस लेवल पे हम बात कर रहे हैं, मैं अभी इस टाइम पे तो आपके लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह था कि परमानेंट सोल्यूशन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का होने जा रहा है, जिसमें कि उसके ये जो प्रोग्राम्स आप बता रहे हैं, जिसमें सेंटर कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें प्लेयर्स के एक्सपोजर के हवाले से बात है, तो इंशाल्लाह ताला हम 6 महीने साल में इस काबिल हो जाएंगे कि हम हर चीज़ को कैटर करना शुरू कर देंगे। हमारी बातचीत चल रही है, हाईएस्ट लेवल पे ये बातचीत चल रही है और इस सिलसिले में जो सबसे बड़ी हमारी कोशिश है सीख वो ये है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, अगर ये पेंडेमिक ना होता तो हमारी लीग जो है वो लॉन्च हो जानी थी इसी साल में,
अभी वी आर नॉट श्योर। ये लीक का तो बाजवा साहब एक पता नहीं कोई मैं ख्याल से 5-6 साल हो गए हर फेडरेशन आ रही है। तुम्हें बच्ची थी जब हाँ लीग शुरू होगी, लीग शुरू होगी, लीग तो शुरू नहीं हो रही। मुझे लग रहा है एक नजम सेठी साहब जिस तरह क्रिकेट में आए थे उन्होंने लीग शुरू करा दी थी। ठीक ऐसे नहीं है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये सिलसिला मैंने ही शुरू किया था जब क्रिकेट लीग शुरू होनी थी तो वही टीम मेरे पास आके बैठती थी और हमने इकट्ठे शुरू करनी थी। अनफॉर्चुनेटली 13 में जब मैंने रिजाइन कर दिया तो वो सिलसिला रुक गया। अब मैं वापस आया हूँ तो हमने वहीं से स्टार्ट किया और मैं आपको खुशखबरी ये देना चाह रहा हूँ कि हमारे पास इस लीग का जो इन्वेस्टर है वो भी आ चुका है और हमारी तमाम चीज़ें तय हो चुकी हैं। लेकिन ये पेंडेमिक की वजह से रुका है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास बड़े प्रोफेशनल टीम है जो इस लीग को लॉन्च करेगी और हमारे पास इन्वेस्टर भी मौजूद है। ठीक है, तो आप ये गुड न्यूज लोगों को दे रहे हैं हॉकी फैंस को कि जब भी इंशाल्लाह ये पेंडेमिक खत्म हो जाएगा विल ओके बी टू व्हेन वी विल विन अ ग्रीन साइन टू प्ले। ठीक है, नहीं ये तो बाजवा साहब आप गारंटी दे रहे हैं कि ठीक है जब पेंडेमिक खत्म हो जाएगा जब होगा, लेकिन पता नहीं आप होंगे नहीं होंगे। ये तो यहाँ फेडरेशन में तो बड़े सिलसिले रहते हैं, क्यों नहीं यहाँ बड़े रहते हैं ना। आपने अनाउंस किया जिससे पहले भी कोशिश की, यकीनन की होगी, अब भी कोशिश कर रहे होंगे। यहाँ तो जैसे हनीफ खान का एक स्टेटमेंट लगा कि होना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखें, मेरा होना या किसी और का होना इम्पोर्टेंट नहीं है, द इम्पोर्टेंट इज कि ये लीक होना जरूरी है। नहीं तो फिर नहीं हुई ना। आपने अगर 2013 में रिजाइन दे दिया उसके बाद जो भी आया, लीक ऑन है, हमारा लीगल चीजों पे हमारे एग्रीमेंट हो रहे हैं, लीगल ड्राफ्टिंग हो रही है, ये तमाम चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ ये सारी चीजें कि हम बैठे नहीं हुए, हमारी ड्राफ्टिंग, हमारा ये चीजें जो है ये तय हो रही है और हम तकरीबन एक 99% इस पे काम हो चुका है। अब इसकी एग्जीक्यूशन पे काम होना है। एग्जीक्यूशन जो है ठीक, इस माहौल में आप ये समझते हैं कि कोई वर्ल्ड के प्लेयर आपके मुल्क में आएंगे या किसी भी तरह ट्रेवल करके वो इधर आएंगे इस पेंडेमिक में? नहीं हो सकता। ये जब तक आप क्लियर नहीं होता इस पेंडेमिक से दुनिया की जान नहीं छूटती, हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ये मैं आपको बिल्कुल 100% पूरी जिम्मेदारी से ये बता रहा हूँ कि लीग पे हमारा 99% काम हो चुका है और इंशाल्लाह ताला इसको एग्जीक्यूट करने में भी हम कामयाब हो जाएंगे। हम सब मिलके दुआ करते हैं कि इस पेंडेमिक पे हमारी वर्ल्ड ओवर जान छूटे, पाकिस्तान से भी जान छूटे, ताकि हम खेलों की सरगर्मियां बहाल कर सके। लेकिन तो आपके इस स्टेटमेंट को ओलंपियन अभी भी ये कहेंगे कि ये लारे लप्पे हैं और ये कोरोना की वजह से है फेडरेशन जो है वो बच गई, वरना फेडरेशन जो बेनकाब हो चुकी होती हमने नाराज ओलंपियंस को बना लिया है ना। अतीक आपको अभी बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी फहरिस्त है। थोड़ा सा आपको बता दूं, कि मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इस पेंडेमिक से बहुत पहले कर चुके थे। ये चीजें मैं आपसे बहुत पहले शेयर कर दूंगा। अतीक इसको फॉलो करता है, अतीक नोज एवरीथिंग कि ये पेंडेमिक से पहले की बातें हैं। ये पेंडेमिक ना होता तो अभी हम ये काम कर चुके होते हैं। तो ये कोई लारे लपे नहीं है, ये सीरियस चीज है और बिल्कुल ऑन ग्राउंड हो चुका है, पेपर वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये चीजें जो है बड़ी सीरियस लेवल पे काम हो रहा है और ये इंशाल्लाह ताला, और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब भी ऑन बोर्ड है इस बात पे, ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। अच्छा बाजवा साहब, हमने तो हॉकी के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी की बुनियाद रखी, वर्ल्ड कप और फिर ओलंपिक्स जैसे गेम्स में पाकिस्तान का एक नाम रहा और चैंपियंस ट्रॉफी जिस तरह हमने बुनियाद रखी। अब जिस तरीके से खेल शुरू हो रहे हैं, न्यूजीलैंड जैसे क्लियर हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया में भी ये कम है, तो क्या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ये प्लान कर रही है कि पाकिस्तान वो पहली टीम बने कि जो हॉकी के मैदानों को आबाद करे, या न्यूजीलैंड से आपको ऐसी बात करें या ऑस्ट्रेलिया से ऐसी कोई बात करें कि आपकी टीम वहाँ जाना चाहती है ताकि हॉकी के मैदान भी दोबारा आबाद करने में पाकिस्तान का ही नाम सबसे ऊपर आए, ऐसा कोई प्लान है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान बहुत बड़े इनिशिएटिव ले चुका है माजी में भी, चाहे वो वर्ल्ड कप का इनिशिएटिव हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो या दूसरे एशिया कप हो, ये पाकिस्तान के इनिशिएटिव हैं सारे। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पूरी कोशिश करेगी कि अभी भी पेंडेमिक के बाद जो आगाज हो पाकिस्तान इंटरनेशनल हॉकी का, तो पाकिस्तान उसका हिस्सा बने, पाकिस्तान उसमें लीडिंग रोल में आए। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो पेंडेमिक की जो सिचुएशन है वो ये है कि पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है इसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप लोग मुझसे एग्री करेंगे, पाकिस्तान में ये लेट आया है तो पाकिस्तान से ये लेट जाएगा, तो मे बी हमारे लिए हालात मुश्किल हों। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हमारा जो इस साल का प्रोग्राम था वो इतना बिजी स्केड्यूल था, जो आप बात कर रहे हैं कि हमारी हॉकी वापस कैसे आनी थी, हम
लास्ट अहसान शाह खेले थे अतीक 2012 में, और उसके बाद पाकिस्तान को कभी इन्वाइट नहीं किया गया। बड़े बड़े लेजेंड फेडरेशन में आए, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने इन्वाइट नहीं किया। लेकिन मेरे आते ही पहले साल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को इन्वाइट किया गया अहसान शाह में। मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस की, मैंने उनसे बात की और पाकिस्तान को अहसान शाह में एंट्री मिल गई। उसके बाद फिर हमने न्यूजीलैंड, कोरिया, पाकिस्तान की एक ट्राई सीरीज होनी थी जून जुलाई में, जो इस पैंडेमिक की वजह से, ओलंपिक, वो ओलंपिक की तैयारियां करनी थी उन टीमों ने, तो वो अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक की वजह से पोस्टपोन हो गया। फिर हमने जूनियर एशिया कप खेलना था जून में, वो भी पोस्टपोन हो गया। अब नवंबर में शेड्यूल है हमारी चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, वो हमने खेलनी थी। और उससे पहले हमारा प्रोग्राम था कि हम एक यूरोप टूर करें, जो जिसके लिए हमारी तमाम चीजें तय थी, जर्मन हॉकी फेडरेशन और डच हॉकी फेडरेशन, वो जुलाई में था, तो जुलाई में प्लान करे थे, राइट? जी बिल्कुल, अच्छा। बिल्कुल इसी तरह था कि ठीक है। और आसिफ भाई, जस्ट इन केस, अभी ऑफ कोर्स अभी हमें नहीं लग रहा कि सिचुएशन बेटर होगी, बट वैसे एक आप लोग ने प्लानिंग थी कि अगस्त में आपका डोमेस्टिक टूर्नामेंट का था, अगस्त सितंबर, दैट्स व्हाट स्टिल ऑन बोर्ड, मतलब वो अभी है कि अगर सपोजिंगली कोई आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो ये होगा, राइट? जो हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं उनके मुताबिक अगस्त इज गोइंग टू बी द पीक, और अगस्त के बाद ये नीचे आना शुरू होगा पेंडेमिक। अगर ये नीचे आना शुरू होता है अगस्त में, तो हम सितंबर अक्टूबर में अपना डोमेस्टिक सीजन स्टार्ट कर सकते हैं, और वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद हॉकी फाइव, मोस्ट प्रोबेबली हॉकी फाइव नेशनल चैंपियनशिप आएंगे, क्योंकि FIH ने अनाउंस किया है कि 23 में दे गोइंग टू होस्ट हॉकी फाइव वर्ल्ड कप, जो एक बहुत बड़ा इवेंट बनने जा रहा है पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए, और पाकिस्तान इसमें बहुत हमारी जो दिलचस्पी है इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे हालात ऐसे हैं कि हम हॉकी फाइव में एक्सेल कर सकते हैं, और हॉकी फाइव पाकिस्तान की मुस्तकबिल की हॉकी को वापस ला सकता है, और ये बहुत बड़ा एक काम होने जा रहा है, और हम इस पर तवज्जो देना चाह रहे हैं, और हम इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और नेशनल चैम्पियनशिप के लेवल पर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इसमें तमाम डिपार्टमेंट, तमाम प्रोविंस इसमें शिरकत करें, और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो टीमों की, दो दो तीन तीन टीमें भी अगर पार्टिसिपेट करेंगी तो हम उसको वेलकम करेंगे। अच्छा बाजवा साहब, आप हम लोग ब्रेक ले लें, क्योंकि फिर हमारे पास लास्ट ब्रेक है, हम आपके सवाल से शुरू करेंगे, ठीक है? सो विल जस्ट टेक अ क्विक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमने थोड़ा सा, ऑफकोर्स हमेशा यू नो ग्रास रूट लेवल की भी बात करते हैं कि व्हाट विल PHF डू, क्या वाकई एक बार फिर अपने ग्लोरियस डेज लगे। आई नो ये सवाल अब पुराना हो गया, बट सो इम्पॉर्टेंट कि हम बार बार इसको डिस्कस करते रहे। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड सी यू राइट आफ्टर। इंटरेस्टिंग हमें परस्पेक्टिव मिल रहा है, PHF के जनरल सेक्रेटरी आसिफ बाजवा ने हमें ज्वाइन किया है, कि व्हाट PHF इज डूइंग, अभी पैंडेमिक तो चल रहा है, कब रिज्यूम हो गए गेम्स, इस पे हम लोग बात करें। अतीक, आप जब ब्रेक से पहले, ब्रेक में जाने से पहले आप सवाल पूछना चाह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। मैं बाजवा साहब ये कहना चाह रहा था, जैसे आपने कहा कि क्योंकि 3 महीने तकरीबन से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, अभी मजीद कुछ जिस तरह आपने कहा कि अगस्त में पीक है, जैसे और लोग भी कह रहे हैं, तो खिलाड़ी तो बड़े परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास जो लीग खेलने जाने थे वो भी वहाँ भी नहीं जा पा रहे। तो आप गवर्नमेंट से कोई ऐसा करेंगे कि फेडरेशंस को कोई फंड दें स्पेशली इन खिलाड़ियों के लिए, ताकि इन खिलाड़ियों का रोज़गार तो चल सके, क्योंकि अब कब तक ये ऑनलाइन सेशन होंगे, लेकिन एक वक्त आएगा शायद खिलाड़ी इससे भी उकता जाएंगे, तो कुछ फंड का जरिया हो। जी बिल्कुल, मेरी बात हुई प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से, और हमने ये डिसाइड किया है कि वी गोइंग टू राइट टू गवर्नमेंट कि इस पेंडेमिक में जिस तरह बाकी शोबा पे आपने हेल्प आउट किया, लोगों को पैकेजेस दिए हैं, जिसमें कि मजदूरों को भी दिए हैं, एक्सपोर्टर्स को भी दिए हैं, और डॉक्टर्स को भी पैकेज दिए जा रहे हैं, तो प्लेयर्स की भी बात होनी चाहिए। प्लेयर्स भी जो हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं, और बाकी स्पोर्ट्स जो हैं वो सफ़र कर रही हैं, क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स सफर कर रही हैं। तो हम बिल्कुल लिखने जा रहे हैं, फहमीदा मिर्जा साहबा जो हमारी ICC मिनिस्टर हैं उनको भी, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को भी लिखने जा रहे हैं, प्रेसिडेंट पाकिस्तान को भी लिखने जा रहे हैं कि स्पोर्ट्स के लिए भी कोई स्पेशल काम होना चाहिए, और हमारा नेशनल गेम है हॉकी, इसमें बहुत बड़े मसाइल हैं, तो इन प्लेयर्स की वेलफेयर के लिए भी कोई ना कोई काम होना चाहिए, और आई एम 100% श्योर कि इस पर ज़रूर कोई ना कोई स्टेप होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे प्लेयर्स को हम फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो ये तो अच्छी खुशाइन बात है, ये बहुत ही खुश बात जा रहे हैं। आप इस पे अमल किस तरह होता है, कैसे करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा, बट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अपनी पूरी कोशिश करेगी कि उनको कन्विंस किया जाए हाई अप्स को कि प्लेयर्स की वेलफेयर के लिए कोई फंडिंग होनी चाहिए। ठीक है अतीक,
बड़ी इंटरेस्टिंग है ये बात, क्योंकि हॉकी का जो एक पूरा सिनारियो है ना पाकिस्तान में, वो ये है कि आपके जो ओलंपियंस हैं और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में तू तू मैं, जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था, एक फैमिली नहीं होती जो जॉइंट फैमिली में लड़ाइयाँ होती है, वैसे ही हो रहा था डिसफंक्शनल फैमिली का। मगर अब इसका भी तो सोल्यूशन ढूंढना चाहिए ना, कि अब जैसे आसिफ बाजवा साहब कह रहे हैं कि भाई हमने कुछ ओलंपियंस को बोला आप आएँ प्लेयर्स से बात करें चिट चैट करें, वी नीड यू, एंड हमें एक्चुअली लेजेंड्स की ज़रूरत है हॉकी में। फातिमा देखें, ये तो वाकई अब जिस तरह हॉकी की सूरत हाल है ना, अब हम सारा ब्लेम हॉकी फेडरेशंस को दे देते हैं कि वो प्लान करें, वो सब कुछ करें, ठीक है, क्योंकि ओहदा उनके पास है, जिम्मेदारी उनके पास है, ठीक है, उनको ज़्यादा काम बनता है। लेकिन अब हमारे बहुत से ओलंपियंस को ये अपनी ज़िद और अना छोड़नी पड़ेगी, जहाँ हॉकी आ चुकी है ना वहाँ अब ओलंपियंस को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। बहुत से ओलंपियंस इतने बड़े बड़े नाम और उनको हॉकी ने उनको बहुत कुछ दिया, अब उनका भी फ़र्ज बनता है कि भले उनके पास ओहदा हो या ना हो, भले वो फेडरेशन में कोच सेक्रेटरी या चीफ सेलेक्टर हो या ना हो, लेकिन उनको ग्राउंड्स पे आना पड़ेगा खिलाड़ियों की फला बहबूद के लिए और फेडरेशंस का हाथ बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि भाई ये मेरे ग्रुप का ओलंपियन नहीं है, मैं तो इसकी मुखालफत ही करूँगा, चाहे अच्छा काम करे या बुरा काम करे। तो ये ज़िद और ये अना बहुत से ओलंपियंस को छोड़नी पड़ेगी अपने खेल के लिए, जिस खेल ने उनको मकाम दिया उस खेल के लिए अब इन ओलंपियंस को एक होना पड़ेगा। छोड़ दें ये छोटी छोटी ज़िदें कि उसने माजी में मेरे साथ ये किया था और अब मैं इसका मैं ज़िंदगी में कभी इससे बात नहीं करूँगा, एक होना पड़ेगा और फेडरेशंस के हाथ मजबूत करना पड़ेंगे। खाली फेडरेशंस ये नहीं कर सकती सब कुछ, ओलंपियंस साथ मिलेंगे, ओलंपियंस फेडरेशन के साथ किसी डिपार्टमेंट में जाएंगे, समीउल्लाह, इस्लाउद्दीन, हनीफ खान, हसन सरदार, ये फेडरेशन के साथ मिलकर किसी भी बड़ी कंपनी के गेट पर खड़े होंगे तो यकीनन दरवाजे हॉकी के खुलना शुरू होंगे। तो हमें ये ओलंपियंस को ये ज़िद छोड़नी पड़ेगी, ये लड़ाइयाँ छोड़नी पड़ेगी, ये झगड़े छोड़ना पड़ेंगे। अभी भी बाजवा साहब बहुत से ग्राउंडों में ये झगड़े हैं कि आप फला अकेडमी में खेलते हैं तो आप इस ग्राउंड पे नहीं खेल सकते, आप वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, आप उस कोच के आदमी हैं, मैं आपको कोचिंग नहीं करूँगा। ये भी खुदारा जो है किसी तरीके से ख़त्म होना चाहिए सिलसिला। ठीक, मैं आपकी हर बात को 100% डोज करता हूं। आप अपनी जात से बाहर आके पाकिस्तान हॉकी के लिए तमाम लोगों को काम करना पड़ेगा। मैं ये बात तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि एक माहौल आपने ऐसा बना दिया है, थोड़ा सा इमोशनल कर दिया है मुझे भी कि यार ये बिल्कुल हमें निकलना पड़ेगा, अपनी जात से बाहर आना पड़ेगा। तो मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी की 2.5 लाख रुपया तनख्वाह है, ठीक है जी। मैंने 5 मई को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ज्वाइन की थी, स्टिल डेट मैंने एक पैसा अपनी सैलरी का ड्रॉ नहीं किया और मैंने ये तमाम पैसा पाकिस्तान हॉकी की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस किस्म का जज्बा जब तमाम ओलंपियंस में होगा कि वो अपनी जात से ऊपर होके अपने जेब से जब कुछ लगाना शुरू करेंगे तो हॉकी वापस आएगी, और मेरी ये कन्विक्शन है कि इंशाल्लाह ताला जिस नीयत से मैं काम कर रहा हूँ, जिस नीयत से मेरी टीम काम कर रही है, इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान को वापस आएंगे। और ये कोई मामूली बात नहीं है कि आप अपने पर्स को छोड़ के आप, मैंने ये डोनेट कर दी है पाकिस्तान हॉकी को अपनी सारी सैलरी जो है कि पाकिस्तान हॉकी की प्लेयर्स की वेलफेयर पे और पाकिस्तान हॉकी के लिए ये पैसा इस्तेमाल किया जाए। तो ये इस किस्म की जो जज्बा है ना, जब हमें होगा तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला कि पाकिस्तान हॉकी ज़रूर वापस आएगी, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये जो झगड़े हैं इस किस्म के अकेडमीज में खेलने के, ये किसी हद तक अच्छी बात भी है, राइवलरी होनी चाहिए, बट राइवलरी नॉट एट द कॉस्ट ऑफ प्लेयर्स। प्लेयर्स को आप जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको आप रोकने की कोशिश करें, इस तरह का काम मेरे होते हुए नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। राइवलरी तो वैसे ग्राउंड में होनी चाहिए ना, क्लैश हो ग्राउंड में हो, एग्जैक्टली, नॉट आउट ऑफ द ग्राउंड। आप अपनी एनर्जी जो है ना वो ग्राउंड में खेल के बताएंगे हमारी टीम बेहतर है कि दूसरी टीम बेहतर है। तो ये तमाम चीजें जो है ये पॉजिटिव भी है, और इंशाल्लाह ताला ये जो छोटे मोटे झगड़े हैं फातिमा, इंशाल्लाह ताला ये भी खत्म हो जाएंगे। चले ठीक है, ये अब तो मैंने बहुत पहले भी सुना था, आई होप कि आपके होते हुए भी ये सब कुछ यू नो ठंड पे गए थे ना, ठंड हो जानी चाहिए, ठंड प्रोग्राम सिर्फ हॉकी होना चाहिए। बट आसिफ बाजवा साहब, आप एक यू नो वही सवाल, आई नो हर लोग हर कोई आपसे आके यही पूछता है, मगर कितनी ज़रूरी है कि हम लोग बात करें अबाउट ग्रास रूट लेवल, और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि आप लोग सेकेंड जनरेशन वाले जो सब प्लेयर्स हैं जो हॉकी के लिए काम करें, हम आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग ग्रास रूट पर मेहनत करें, क्योंकि आप लोगों ने स्ट्रगल करके पढ़ा है।
अब तो कुछ भी नहीं हो रहा, डर लगता है कहीं हॉकी का बिजनेस ही ना खत्म हो जाए पाकिस्तान में। फातिमा, अगर आपकी मेमोरी अच्छी है ना, तो मैंने आपके प्रोग्राम में ये कहा था कि मैंने 16 अकेडमियां बनाई हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में, मैं चला जाऊंगा, ये अकेडमियां खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, ये पाकिस्तान के लिए हाइब्रिड सोल्यूशन है इसके, क्योंकि स्कूलों में हॉकी नहीं हो रही, कॉलेजेस में हॉकी नहीं हो रही, यूनिवर्सिटीज में हॉकी नहीं हो रही, क्लब हॉकी जो है वो डाई डाउन कर रही है, तो हमें अकेडमीज पे जाना चलेगा। इनको खत्म करने के बजाय मैं ये सजेस्ट कर रहा था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इन अकेडमीज को बढ़ाया जाए। द मोमेंट आई लेफ्ट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, उन तमाम अकेडमीज को खत्म कर दिया गया, और टिल डेट फातिमा, आप मेरे से पूरा ये किसी दिन किसी और प्रोग्राम में मैं पूरा आपको लिस्ट दूंगा कि अभी तक 90% लोग, उन बच्चे उस अकेडमी के ट्रेंड हुए हैं जो पाकिस्तान में खेल रहे हैं। तो अगर वो सिलसिला जारी रहता तो आज शायद हमें इतने बड़े मसाइल का सामना ना करना पड़ता कि हमारे पास बैकअप नहीं है, हमारे पास फ्यूचर नहीं है, हमारी डोमेस्टिक हॉकी ठीक नहीं है। तो डोमेस्टिक हॉकी को सही करने के लिए अकेडमीज का एक पूरा नेटवर्किंग होनी चाहिए। उसके अलावा, क्योंकि जब आप अकेडमीज की बात करते हैं तो आप 13, 14, 15, 16 साल के बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए आने वाले टाइम पे खेलना है। जब आप डोमेस्टिक हॉकी की बात करते हैं तो आप सिर्फ नेशनल चैंपियनशिप और डोमेस्टिक टूर्नामेंट की बात करते हैं जिसपे ग्रोन अप प्लेयर्स जो हैं वो अपनी स्किल्स को दिखाते हैं, विच इज़ वेरी गुड, उनको एक्सपोजर मिलता है। लेकिन डोमेस्टिक हॉकी आपके अंडर 13-14 से अगर आप स्टार्ट नहीं करते, आप अकेडमी नहीं स्टार्ट करते, तो पाकिस्तान हॉकी का मुस्तकबिल बड़ा खतरे में। मैं आपको बता दूँ, हमें वी हैव टू गो टू अकेडमी, और मैं मेरी हसल वसा ये कोशिश होगी कि जिस दिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास रिसोर्सेज आए, हम अकेडमी शुरू करने जा रहे हैं। हम कम से कम दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना चाहते हैं, एक कराची में और एक लाहौर में, जिसमें कि कम से कम हमारे 35-40 वो टैलेंटेड प्लेयर ट्रेंड हो जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बन सके। और इसके साथ साथ हम हॉकी सेंटर्स डेवलप करना चाहते हैं, जैसे गोजरा है, फैसलाबाद है, सियालकोट है, शेखुपुरा है, कराची है, सक्कर है, कोयटा है, बन्नू है, अहमदाबाद है, पिशावर है, तो ये ऐसे जगह विहाड़ी है और एक पीर महल इलाका है समुंदरी के पास, ये ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ से हमें रेगुलर हॉकी प्लेयर्स मिल रहे हैं। तो हम इन हॉकी सेंटर्स को डेवलप करना चाहते हैं और उन लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं जो लोकली वहाँ पे दिन रात अपना काम करते हैं, जैसे पहले असलम रोडा साहब काम करते थे, बजीर खान साहब लाहौर में काम करते थे, इश्तकाज अली साहब कराची में काम करते थे, शबी साहब करते थे, बहुत सारी दुनिया कराची में काम करती थी, आजकल अनीफ खान साहब काम कर रहे हैं, तो इस तरह और लोग भी काम करते थे कराची में। तो हम इन लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं जो डोमेस्टिक हॉकी और जो उस लेवल पे काम करना चाहते हैं। लेकिन तो साहब कैसे करेंगे, खजाना तो खाली है, हाथ में कुछ है नहीं। ठीक, मैंने आपको आपसे थोड़ी देर पहले मैंने ये इस बात का जवाब दिया था कि हमारी बातचीत चल रही है, क्योंकि बहुत एक लंबा गैप था, एक मिसकम्युनिकेशन थी, हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे अपने हायाब के साथ, वो सिलसिला हमारा बिल्कुल शुरू हो गया। और प्रिंसिपली तमाम लोग एग्री कर रहे हैं कि हॉकी को कोई ऐसा चीज देनी चाहिए जिससे ये परमानेंट अपना। लेकिन बाजी साहब पैसा भी तो, मतलब पिछली अगर आप देखे जाए, जब आप भी सेक्रेटरी थे पहले, उस वक्त से पैसा आना शुरू हुआ हॉकी फेडरेशन में, और पिछले 10-15 साल के अंदर हॉकी को पैसा तो बहुत मिला है, लेकिन फिर भी क्या वजह है कि ये खड़ी नहीं हो सकी? ये परसेप्शन है, मैं आपको बताता हूँ, ये परसेप्शन है कि बहुत मिला है, बहुत नहीं मिला, हमें सिर्फ इतना मिला है कि हम अपनी एक्टिविटी कर सकें। अगर बहुत पैसा मिलता तो वो भी आपके सामने होना था। अगर 5 साल में 6 साल मैंने अपना 2008 से 13 नवंबर को तक मेरा टेन्योर बनता है, तकरीबन 6.25 साल बनता है ये टेन्योर, अगर इसमें हमें 63 करोड़ रुपये मिला तो ये बहुत पैसा नहीं है। इट हैज टू स्पेंड ऑन इन वन ईयर, मैंने 5 साल में इसको मैनेज किया, और इस मैनेजमेंट में आपको पता है कि मैंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किए, मैंने अकेडमीज खोली, मेरे कोचिज पेड थे, मेरे सिलेक्टर पेड थे, कोई ऐसा बंदा PHF में नहीं था जो अनएम्प्लॉयड था या जिसको पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पैसे नहीं दे रही थी। तो हमने एक अच्छी मैनेजमेंट की उस वक्त, ये परसेप्शन डेवलप हुआ कि शायद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास पैसा बहुत आ गया कि हर चीज हम दे रहे हैं, दैट वाज अ वेरी गुड मैनेजमेंट। लेकिन बाजवा साहब फेडरेशन पे एक बुरा असर भी तो ये गया ना कि जब चले ठीक है, आप बकौल आपके कितना पैसा नहीं मिला, लेकिन जितना शोर हुआ कि पैसा खा गए, अब जो आपके स्पॉन्सर्स हैं वो अब फेडरेशन के लोगों को पर
एतमाद नहीं कर रहे, जैसे बहुत सारे थे, नदीम उमर था, उन्होंने पैसे दिए और बहुत सी कंपनीज थे जिन्होंने आए फंडिंग के लिए, लेकिन जब उनको रिजल्ट नज़र नहीं आया, खिलाड़ी वही भूखा नज़र आया, खिलाड़ी वही भूखा प्यासा और बेकार से कपड़ों के अंदर नज़र आया, तो फिर वो स्पॉन्सर्स भागे। इस चीज़ को कैसे ख़त्म करेंगे आप, जो फेडरेशन के ऊपर इतने दाग लग चुके हैं? आप भी बात नहीं कर रहा मैं, इससे पहले फेडरेशन थी और भी थी, दाग लग चुके हैं कि पैसा खा जाते हैं फेडरेशन के लोग, ये ओलंपियंस पैसा खा जाते हैं, तो स्पॉन्सर आ ही नहीं रहा, तो इस दाग को किस तरह धोएंगे आप? देखें अतीक, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि ये परसेप्शन की बातें हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का रेगुलर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑडिट करती है, स्पेशल ऑडिट हुए हैं, फ्रेंसिक ऑडिट हुए हैं, इसकी इसी परसेप्शन पे फ्रेंसिक ऑडिट हुए हैं, इसी परसेप्शन पे स्पेशल ऑडिट हुए हैं, उन स्पेशल ऑडिट की रिपोर्ट्स हैं, उन स्पेशल ऑडिट्स पे बात है, कहीं पे भी कोई मिस अप्रोप्रिएशन का काम नहीं हुआ। वहाँ पे सिर्फ मैनेजमेंट की बात हो रही है कि आपका तरीकाकार ये होना चाहिए था या ये होना चाहिए था, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ऑन रिकॉर्ड हैं। इसका जब मीडिया में कोई बात करता है तो वो परसेप्शन डेवलप करते हैं। वैसे तो फेडरेशन को कितने पैसों की, वैसे अगर फेडरेशन आती है 5 साल के लिए तो कितना पैसा होना चाहिए आप समझते हैं कि? मैं अतीक ये समझता हूँ कि फेडरेशन ने अगर अच्छे तरीके से काम करना है तो 50 करोड़ रुपए एक साल का बजट होना चाहिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, जिसमें जूनियर सीनियर अंडर 16 अंडर 14 एकेडमी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टूर्स और इसके अलावा आपके ये जो जिस तरह फातिमा ने कहा कि जैसे शकील अब्बासी जैसे लोग जी उनको उनको बीच में लाया जाए और उनको उनकी वेलफेयर के लिए काम किया जाए, तो कम से कम एक साल में 50 करोड़ रुपया जरूर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास होना चाहिए अगर पाकिस्तान हॉकी ने वापस आना है तो। मैं अगर इन कंपैरिजन आपको बताऊं कि इंडियन फेडरेशन इस वक्त साल का 1.25 अरब रुपया इंडियन खर्च करती है साल का, उनकी लीग जो है वो 2.5 से 3 अरब रुपये की हो चुकी है, तो हमारा कंपैरिजन, हमारा कंपटीशन जिन लोगों से है दे आर स्पेंडिंग बिलियंस, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को क्या मिल रहा है, हमें ये देखना चाहिए कि डच हॉकी फेडरेशन क्या कर रही है। 15 मिलियन यूरो लगाती है डच हॉकी फेडरेशन सिर्फ अपने सीनियर प्रोग्राम पे, सिर्फ सीनियर प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, और इसी तरह जर्मन हॉकी फेडरेशन पैसे लगाती है, उनकी गवर्नमेंट के अप फ्रंट फंड होते हैं उनके पास। ऑस्ट्रेलियन का बजट देख लें, ऑस्ट्रेलिया का जितना बजट होता है वो पहले से ही कैटर होता है। तो आसपास सब उनके इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं ना, तो फिर वही बात है ना, जब आप रिजल्ट्स देख रहे होते हो, प्लेयर्स के अंदर आप जज्बा देख रहे होते हो, तो यू कीप ऑन इंजेक्टिंग मनी टू मेक इट बिगर एंड बेटर। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग एज वेल, मगर आपके पर्सपेक्टिव जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप अपनी सैलरी डोनेट करते हैं PHF को, वेरी नाइस। आई ऑल्सो होप एंड प्रे कि जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, आप उनके लिए भी ज़रूर कुछ करें। एवरी ट्यूजडे हमारे ओपन फोरम है हॉकी के लिए। आसिफ बाजवा साहब, आपके लिए भी ओलंपियंस जो हमें देख रहे हैं, आपको क्या कैसी लगी आसिफ बाजवा की बात? वो कह रहे हैं कि हम लोग टेबल पे बैठ के बात करें, अपने अना को छोड़ें। आप लोग सब एग्री करें या नहीं? अगर नहीं, आपके पास कोई बातें करने को है तो अगले ट्यूसडे आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करेगा ताकि हम आपसे बात करेंगे। अतीक रहमान, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, एंड अगेन थैंक यू सो मच PHFC सेक्रेटरी आसिफ बाजवा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सो हॉकी का जो स्पेशल प्रोग्राम आप देखेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे, बट सुपर स्पेशल से फिलहाल लेते हैं, मजीद स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए देखते रहिए जियो सुपर।